हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ, लेकिन आज के समाचार में हम बात करेंगे सिर्फ गांव की सरकार की बात करेंगे, दरभंगा के बेनीपुर और अलीनगर मतदान की, चुनाव की, जहां गांव की सरकार के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। छिटपुट बारिश के बावजूद और जितिया पर जो मिथिलांचल का पर्व है उसके बावजूद महिलाओं का जोश देखते ही बनता था। जी हां, कहीं कहीं तो काफी बुजुर्ग महिलाएं भी मतदान के लिए पहुंची। ये सब नजारा जी हां, शाम 5 बजे तक 51% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतार लगी रही। हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार ने बेनीपुर और अलीनगर के कई मतदान केंद्रों का दौरा करने के बाद वहां का जायजा लिया। लंबी कतारें, वोटरों की चाहत, इच्छा और जज्बा सरकार बनाने की। आओ बहना, आओ भाई, अपना फर्ज निभाए, वोट डाल कर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है नए नए परिधानों में। नाना नानी, मामा मामी, सबको ये समझाए, वोट डाल कर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार, हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार देश में पहली बार ईवीएम और मत पेटिका का एक साथ प्रयोग किया गया है, और इसके अलावा जो आधार कार्ड से लिंक जोड़ा गया उसका भी प्रयोग किया गया। हालांकि यह काफी सफल नहीं रहा, 236 मतदान केंद्रों पर 36 पर ही यह कार्यरत रहा, लेकिन पहली बार प्रयोग, जो कमियां हैं उसे आगे सुधारने की कवायद। ये लोकतंत्र है, सांसद और विधायक के अलावा गांव की सरकार के लिए गांव के लोगों ने जो उम्मीदवारी दी है, दावेदारी दी है, अपना मत किसे दें? 6 पद, जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच, ये 6 जनप्रतिनिधि गांव की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसके लिए एक साथ एक मतदाता 6 जगह अपना मत देंगे।
लाल रंग ईवीएम पर जिला परिषद के लिए उम्मीदवार चुनेंगे, इसका छाप अलग है। ब्लू रंग पंचायत समिति ईवीएम के लिए बटन दबाएंगे, इसका भी छाप अलग है। हरा रंग मुखिया के लिए ईवीएम पर बटन दबाएंगे, इसका भी छाप अलग है। और वार्ड सदस्य काला रंग सफेद कागज पर ईवीएम पर बटन दबाएंगे, इसका भी छाप अलग है। नारंगी और कत्थई रंग सरपंच और पंच का है और ईवीएम इसके लिए नहीं है। मतपत्र पर मुहर लगाएंगे और ईवीएम पर बटन दबाने के बाद ये दोनों मतपत्र मतपेटिका में डालेंगे और 1 तारीख को ही गिनती हो जाएगी। देश में पहली बार एक साथ ईवीएम और मतपेटिका का प्रयोग, यानी पुराना और नया, और आगे जो भविष्य में होने वाला है बायोमेट्रिक पद्धति यानी आधार कार्ड से लिंक। हालांकि यह पूरी तरह सफल नहीं रहा, 236 मतदान केंद्रों में नेटवर्क के कारण 36 पर ही कार्यरत रहा, लेकिन भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का यह चुनाव, पंचायत चुनाव, आने वाले दिनों में बायोमेट्रिक पद्धति फर्जी मतदान रोकने के लिए कारगर होगा, यह कहा जाए तो अभी गलत नहीं होगा। प्रयोग धीरे धीरे, नेटवर्क ठीक होगा, वक्त बदलेगा, समय बदलेगा और ये अहम जरूरी हो जाएगा जब रेटिना से या अंगूठे से आप अपनी पहचान बताएंगे, फर्जी मतदान से बचा जा सकेगा। इसका प्रयोग इस पंचायत चुनाव में, यानी कहा जा सकता है कि एक प्रयोगशाला लोकतंत्र का इस पंचायत चुनाव में दरभंगा में पहला चरण, हालांकि राज्य का ये दूसरा चरण। मतदान केंद्र बेनीपुर और अलीनगर दो प्रखंडों में जहां लोगों ने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर दिया है, ईवीएम और मतपेटिका में अपना मत बंद कर दिया है और 1 दिन इंतजार के बाद 1 तारीख को पता चल जाएगा। 16 पंचायत है बेनीपुर में, 11 पंचायत है अलीनगर में, इन 27 में से कितने मुखिया और सरपंच वापसी कर पाएंगे? जी हाँ, 27 मुखिया और 27 सरपंच। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगभग 3.5 दर्जन पंचायत समिति सदस्य हैं, जिनमें से 2 प्रमुख भी चुने जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें 5 जिला परिषद सदस्य हैं, 3 बेनीपुर में और 2 अलीनगर में। और अगर हम बात करें वार्ड सदस्यों की तो 400 से अधिक वार्ड सदस्य में कितने वापसी करेंगे? जहां तक पंच की बात है, अधिकतर में निर्विरोध है, लेकिन नल जल योजना चर्चा में है। वार्ड सदस्यों की भीड़ ये बता रही है कि इसके दावेदारी, सरकार में भागीदारी के लिए कितना दम लगा रखा है प्रत्याशियों। बेनीपुर और अलीनगर के 27 पंचायत, 16 बेनीपुर के और 11 अलीनगर के, 27 मुखिया 27 सरपंच की बात करें तो 400 से अधिक वार्ड मेंबर की भी बात करें, जहां ये मतदाता कतार में खड़े हैं उन्हें चुनने के लिए या हटाने के लिए, नए चेहरे के लिए या पुराने को दोबारा लाने के लिए। इन्होंने अपना मत बंद कर दिया है, महिला और पुरुष ने, इस भीड़ लगाकर मतदान केंद्रों पर, कि कौन वापसी करेगा और कौन घर बैठेगा, कौन नए चेहरे पर विश्वास करेंगे, कौन पुराने चेहरे को ही पसंद करेंगे, ये पता चल जाएगा 1 अक्टूबर को, जब इन दोनों प्रखंडों में वोटों की गिनती होगी। लगभग 4 लाख मतदाताओं में 55% मतदाताओं ने अपने गांव की सरकार के लिए मुहर लगा दी है। जो सस्पेंस है 4 ईवीएम और 2 मतपेटिका में, जहां वोटों की गिनती होगी 1 तारीख को, तो पता चल जाएगा। जो पहला रुझान है बिहार से, उसमें अधिकतर मुखिया वापसी नहीं कर पाए, एक संशय की स्थिति। ये रात भारी होगी, 2 रात जो मतदान की रात है और फिर 30 सितंबर की रात 1 तारीख की सुबह बहार लेकर आएगा उनके लिए, जिनके पक्ष में मतदाताओं ने वोट डाले होंगे। कौन पवेलियन बैक होंगे और किसकी जिम्मेवारी होगी, गांव की सरकार में भागीदारी होगी, यह पता चल जाएगा। रंग उड़ेंगे, अबीर उड़ेंगे, गुलाल उड़ेंगे, ढोल बजेंगे, पटाखे फूटेंगे, लेकिन कोरोना काल का भी ध्यान रखना है। बहरहाल 5 साल तक गांव की सरकार
चलाने के लिए 3,100 दावेदार हैं विभिन्न पदों के लिए, 1,700 दावेदार बेनीपुर से और 1,300 से अधिक दावेदार अलीनगर से, जहां इन लोगों ने भीड़ लगाकर अपनी दावेदारी दी थी, अब जनता ने भीड़ लगाकर अपनी जिम्मेवारी ली है। मेरी पंचायती के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन ओ भैया, जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले बेनीपुर। बेनीपुर में देखते हैं कैसे हुआ मतदान, कहां कितनी कतार में लोग लगे रहे, अपना मत दिया गाँव की सरकार। गांव की सरकार के लिए अपनी दावेदारी जिन लोगों ने दी है और जनता ने मत गिराने की भागीदारी ली, हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार ने बेनीपुर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर जायजा लिया। पुरुष मतदाताओं से लेकर महिला मतदाताओं के रुझान को देखा। ईवीएम पर बटन दबाने से लेकर जो मत पत्र है सरपंच और पंच के लिए, उस पर मुहर लगाने की स्थिति को देखा। छिटपुट बारिश के बावजूद भी अच्छी कतार लगी रही। गांव की सरकार में जिन लोगों ने दावेदारी दी, मत गिराने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया मतदाताओं ने। देखिए बेनीपुर जो प्रखंड है, वहां गांव की सरकार के लिए लोगों ने किस तरह मतदान के लिए कतार लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदाता है भारत भाग्य बनाते हैं। हम भारत के मतदाता है भारत भाग्य बनाते हैं। वोट करेंगे लोकतंत्र हित, वोट करेंगे लोकतंत्र हित, वोट करेंगे लोकतंत्र हित, कसम आज हम खाते हैं। से है प्यार हमें, इसी धूल में पले बढ़े हम, मिला यही सत्कार हमें। ओ अपनी माटी पे गौरव है, कण कण से है प्यार हमें, इसी धूल में पले बढ़े हम, मिला यही सत्कार हमें। रहे जब तलक सांस हृदय में, रहे जब तलक सांस हृदय में, रहे जब तलक सांस हृदय में, जनगण मन हम गाते हैं। और अब बात अलीनगर की। अलीनगर प्रखंड में यहाँ कई मतदान केंद्रों का दौरा करने के बाद वहां का नजारा देखिए। बेनीपुर के 16 पंचायत के बाद अलीनगर के 11 पंचायत में 250 मतदान केंद्रों पर लोगों ने कतार लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
11 मुखिया, 11 सरपंच और लगभग 125 वार्ड सदस्यों और पंच, 2 जिला परिषद सदस्य और 1.5 दर्जन से अधिक पंचायत समिति सदस्यों के चयन के लिए लोगों ने सुबह से ही कतार लगा ली मतदान केंद्रों पर। बहना आओ भाई, अपना फर्ज निभाए, वोट डाल कर निर्वाचन का उत्सव सफल बनाए। देखो कैसे झूम रहे हैं दादाजी खलिहानों में, दादी जी भी निकल पड़ी है। बुजुर्ग महिला जज्बा कम नहीं, जी हाँ, देखिए किस तरह मतदान करने पहुंची जितिया पर्व के बाद। जितिया पर्व के बाद भी महिलाओं का जोश अलग, बुजुर्ग महिलाओं तक ने वोट डालने के लिए वह व्हील चेयर पर आ रही है। जितिया पर्व के बावजूद महिलाओं की अच्छी कतार देखी गई मतदान केंद्रों पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, बनाया गया लगातार, फोन की घंटियां टनटनाती रही प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक। 06272 और 24600, जी हाँ, इस नंबर पर कोई भी शिकायत नीचे न सुने तो यहाँ करें। इसके लिए बेनीपुर और अलीनगर का अलग कंट्रोल रूम बनाया गया। और मतदान के लिए जहां बेनीपुर और अलीनगर में प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया था, जिला में भी इन दोनों प्रखंडों के लिए अलग अलग कंट्रोल रूम और उसके लिए कार्यरत कर्मी अलग अलग। कोई शिकायत आए तो ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका निष्पादन अंबेडकर सभागार में कंट्रोल रूम जिला का, प्रखंड से शिकायत अगर न सुनी जाए, चाहे मतदान की बात हो, धांधली की बात हो, आरोप की बात हो, मतगणना की बात हो। उम्मीद है कि ये सब कुछ सही होगा और इसी तरह से तरीके से आगे हमारे कंट्रोल रूम की मदद से हम लोग टाइम टू टाइम सारा अपडेट लेते रहे। अधिकतर महिला कर्मी कंट्रोल रूम पर शिकायत सुनती रही, यथा संभव निष्पादन निदान की कोशिश संबंधित पदाधिकारियों के पास, जिस बूथ से शिकायत आई वहां तुरंत निष्पादन करने की कोशिश जिला कंट्रोल रूम द्वारा, सारा सिस्टम ऑनलाइन, और जहां से शिकायत आई वहां के पीठासीन पदाधिकारी हों या फिर जो पोलिंग अफसर हैं या पेट्रोलिंग अफसर, वहां से सीधे लिंक में सभी का मोबाइल नंबर, ये जो संचार क्रांति युग है उसमें उसका 100% प्रयोग। कंट्रोल रूम जिला में जहां लगे रहे कर्मी और शिकायत मिलते ही तुरंत उसके निष्पादन में। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और SSP बाबूराम ने विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया, जायजा लिया। उन्होंने मतगणना केंद्र का भी निरीक्षण किया और मतदान केंद्र पर भी पहुंचे। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और SSP बाबूराम ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। बेनीपुर में मतदान केंद्र पर गए, शांतिपूर्ण मतदान के तहत उन्होंने देखा
पीठासीन पदाधिकारी के कर्तव्य को मतदान पदाधिकारी 1, 2 और 3 में 3 मालूम रहे कि इस बार 4 मतदान कर्मी की जगह 6 मतदान कर्मी है। पीठासीन पदाधिकारी 1, मतदान पदाधिकारी 1, मतदान पदाधिकारी 2 और मतदान पदाधिकारी 3 में क ख ग। पीठासीन पदाधिकारी मतदान पदाधिकारी 1 और 2 की जिम्मेवारी होगी संबंधित ईवीएम और मतपेटिका लेकर वज्रगृह में जमा करवाना। तो ये थे अब तक के समाचार। आपने देखा आज के इस एपिसोड में हमारी गांव की सरकार में भागीदारी, 3,100 उम्मीदवारों की दावेदारी और मतदाताओं ने बंद कर दिया है इनकी किस्मत को 4 ईवीएम और 2 मतपेटिका में, जो 1 तारीख को खुलेगा और हम आपको बताएंगे कि कितने ने वापसी की और कितने बैक टू पवेलियन हो गए, नए चेहरे आए। लेकिन इस विशेष एपिसोड में गांव की सरकार और हमारी जवाबदेही, जिला प्रशासन की तैयारी, ये एपिसोड हमारा विशेष प्रसारण गांव की सरकार में, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।